रिलायंस कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का 10 अप्रैल को जन्मदिन है और एक बार फिर से उनके जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड सितारे जामनगर के लिए रवाना हो गए हैं। मार्च महीने में ही पूरे बॉलीवुड को गुजरात में देखा गया था और अब एक बार फिर से जमघट सजने वाला है। जामनगर पहुंचने वाले सितारों की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें सलमान खान भी दिखाई दिए, जिन्हें मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इनके अलावा यहां और भी बी टाउन सेलेब्स को देखा गया। बॉलीवुड के भाई जॉन सलमान खान को कलीना एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वो इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ दिखाई दिए। लग्जरी कार से वो उतरे और पैप्स को हाई हेलो किया और एयरपोर्ट के अंदर चले गए। इसके तुरंत बाद अभिनेता वीर पहाड़िया को उनके भाई शिखर पहाड़िया के साथ देखा गया। ये सभी 10 अप्रैल को अनंत अंबानी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए जामनगर जा रहे थे। वहीं इस इवेंट के लिए ओरी भी रवाना हुए। यारिया 2 एक्टर मिजान जाफरी भी जामनगर के लिए रवाना हुए। आपको याद ही होगा कि मार्च की शुरुआत में 3 दिनों तक चले अनंत और राधिका के प्री वेडिंग सेरेमनी में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के सितारों ने शिरकत की थी। यहां तक कि हॉलीवुड के भी कई सितारे आए थे। रिहाना भी इनमें से एक थी जिन्होंने परफॉर्म करने के लिए मोटी रकम ली थी। वहीं तीनों खान यानी के सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने भी परफॉर्म किया था। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे 10 अप्रैल को अपना 29वां जन्मदिन बेहद खास और शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में कुल 1260 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन पर क्या कुछ खर्च होने वाला है, इसकी डिटेल्स वेल अभी तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि अनंत अंबानी ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने यूएस में ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मुंबई लौटने के बाद अनंत फिलहाल अपने पिता की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत अंबानी सैलरी नहीं लेते हैं, इसके बावजूद उनकी कुल नेटवर्थ 40 बिलियन यानी कि 3,44,000 करोड़ रुपए है। वहीं अनंत अंबानी के पास कई लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जैसे कि उनके पास बेंटले बेंटेयागा है, इसकी कीमत 4.10 करोड़ है। वहीं बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी फ्लाइंग स्पर कार भी अनंत अंबानी के पास है। उन्होंने रोल्स रॉयस फैंटम भी अपने कार कलेक्शन में शामिल कर रखा है। फरारी SF90 स्ट्रेडिल भी अनंत अंबानी के पास मौजूद है। हाल ही में बर्थडे से पहले अनंत और राधिका गाड़ियों के काफिले के साथ दुबई के मॉल पहुंचे थे। दोनों शादी की शॉपिंग के लिए दुबई पहुंचे। इस वीडियो में लोगों का ध्यान अनंत अंबानी की कार पर अटक गया, जिस कार में बैठकर अनंत और राधिका दुबई के मॉल पहुंचे थे, उस कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में सिर्फ 3 लोगों के पास ही वो कार है। लग्जरी SUV में रॉल्स रॉयस क्लीनर भारत में सिर्फ 3 लोगों के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के अलावा ये कार बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और हैदराबाद के कारोबारी नसीर खान के पास है। आपको बता दें कि जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन के दौरान अनंत अंबानी की रिचर्ड मिले ब्रांड की घड़ी पर मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी का दिल आ गया था और इस घड़ी की कीमत अगर बताएं तो एवरेज कॉस्ट इसकी 14 करोड़ रुपए है। अब एक बार फिर से देखना होगा जामनगर में एक बार फिर से जमघट लगने वाला है सितारों का। क्या कुछ सेलिब्रेशन होगा और कितने करोड़ का खर्चा किया जाएगा बर्थडे के लिए, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।